हेलो, नमस्ते। राइट टू एडुकेशन है, इसके बारे में आपको कोई जानकारी है? आपके बच्चे अभी बालवाड़ी में हैं, तो आप इसके बाद आपके बच्चों को कौन से स्कूल में डालोगे? आरटी एक्ट 2009 के अनुसार भारत के हर बच्चे को 8वीं कक्षा तक प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से मुहैया कराने के लिए सरकार बाध्य है, वह भी उसके निवास से 1 किलोमीटर दायरे में स्थित स्कूल में निःशुल्क। इसका मतलब है किसी भी बच्चे से फीस शुल्क या अन्य खर्च नहीं लिया जाएगा, ताकि इसके अभाव में कोई बच्चा प्राथमिक शिक्षा छोड़ने के लिए विवश न हो। मुफ्त शिक्षा में पाठ्य पुस्तकें, गणवेश, लेखन सामग्री, विकलांग बच्चों के लिए विशेष सामग्री शामिल है, जिससे स्कूल पर खर्च का भार कम रहे। दूसरा मुद्दा, न्यूनतम मानक निर्धारित। इस कानून के अंतर्गत विद्यार्थी तथा शिक्षक का अनुपात तय है, यानी यह बताया गया है कि एक शिक्षक कितने छात्रों को पढ़ा सकता है, क्लासरूम में कितने बच्चे होने चाहिए, लड़की और लड़कों के लिए अलग अलग स्वच्छता गृह, पेयजल सुविधा, स्कूली दिन, शिक्षकों के कार्य समय आदि निर्धारित कर दिए गए हैं। शिक्षा अधिकार कानून के तहत निर्धारित इन सामान्य नियमों के अनुपालन के लिए भारत सरकार का हर प्रारंभिक प्राइमरी एवं मिडल स्कूल बाध्यकारी है। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा, सभी को प्रवेश। शिक्षा अधिकार कानून के तहत यह अनिवार्य बना दिया गया है कि जो बच्चे सही वक्त पर स्कूलों में नहीं जा पाए, उन्हें स्कूल के उनके स्तर के अनुरूप कक्षा में दाखिला देकर विशेष प्रशिक्षण दे, ताकि उनके स्तर एवं उम्र के बच्चों के बराबर आ सके। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, शिक्षकों का स्तर एवं संख्या। इस कानून के अंतर्गत हर स्कूल में बच्चों को कौन से शिक्षक होने चाहिए, यह अनुपात बनाए रखने के लिए सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं। और इस सरकार के नियमों के अनुसार ग्रामीण एवं शहरों के बीच जो असंतुलन है, उसको भी खत्म करने के निर्देश बता दिए गए हैं। कानून के अनुसार सभी स्कूल योग्य एवं उचित संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति करने के लिए बाध्य है, मतलब यह सभी स्कूलों को अपेक्षित संख्या में तथा उचित शैक्षिक योग्यता प्राप्त शिक्षक नामित होने चाहिए।